हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कपिल तलरेजा और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा जो हर एक वीडियो है वो सब आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये मेरा तीसरा वीडियो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। जो मैंने पहले दो वीडियो बनाए थे उसके बाद मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको प्लान क्वारंटाइन इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको पाथ बता दूँगा, इसमें आपको साइन अप कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ये बहुत ही काम का चीज़ है, आप एक बार मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसको डाउनलोड करके रख दीजिएगा। दोस्तों, ये उन्हीं बिज़नेस के लिए बता रहा हूँ जो कि नया नया बिज़नेस आप चालू कर रहे हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले पहले दोस्तों आप इंटरनेट में जाइएगा, यहाँ पर दोस्तों दो तरीके हैं। यहाँ पे आप डालिए पी क्यू ए पी क्यू आई एस, एक तो आप ये डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नीचे लिंक आया है, फर्स्ट फर्स्ट प्लांट क्वारंटाइन इंडिया। ये क्या है दोस्तों? ये एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है जो कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए लग सकता है दोस्तों। तो इसमें आपको कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसको आप यहाँ पे अगर ऊपर आप ये प्लांट क्वारंटाइन इंडिया भी आप डालेंगे दो भी आएगा लोग सो, लेकिन ये पी क्यू आई आर एस आपको लिख के रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा कि आपको निकालने के लिए चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका ये पेज खुल जाएगा दोस्तों। ये एक्सपोर्टेशन जब भी आप करते हैं एक्सपोर्ट, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको लगता है दोस्तों, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो है लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें साइन अप आ रहा है नीचे, लॉगिन के नीचे आप वहाँ पे जाइए। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो बताया था कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका जो है ये आपको नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद जो भी आपके एड्रेसेस हैं लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा दोस्तों। जहाँ से आपका बिलिंग है वो आप डाल सकते हैं, जो आपका यूनिट है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, क्लाइंट टाइप आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आपका पर्पस है ट्रेडिंग का, पर्सनल है पर्सनल डाल लीजिए। फ्रेंड्स, सेकंड वीडियो में मैंने इसके लिए बताया था आपको कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड आपको बनवाना पड़ेगा। आप अगर मेरे से वीडियो से कनेक्टेड हैं तो इसके लिए आप इस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड कैसे निकालते हैं ऑनलाइन, मैंने सेकंड वीडियो में इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बताया था। इसलिए मैं फ्रेंड्स बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं दोस्तों, और अगर छूट रहा है तो आप मेरे को इस पर जाके देख सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो आपका लेसन आपका दो दिन में निकलता है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देना दोस्तों, मोबाइल नंबर जो आपकी कंपनी का है, आपका ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे डाल देना दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये पी क्यू स्टेशन है, जो आपका स्टेशन है आप यहाँ पे इस पर डाल देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद में आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना दो कि आपको यहाँ पे क्या नाम से चाहिए दोस्तों। सपोज यहाँ पे राहुल तलरेजा करके मैंने आपकी ईमेल आईडी बना दी मेरी, इसमें आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, आप लिख के रख देना दोस्तों जो भी आपका पासवर्ड है। इसके बाद नीचे जो कैपेचे आ रहा है यहाँ पे ये डाल देना, जो यहाँ पे कोड आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर में आपको रजिस्टर कर रहे हैं दोस्तों।
एक बार अगर आपका रजिस्टर हो गया दोस्तों, तो बार बार आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली साइन अप करना है। आपके यहाँ पे आपको साइन इन करना है, साइन अप के बाद में बहुत ईजी है दोस्तों। आप एक बार स्टेप बाय स्टेप देखिए और पूरा का पूरा आप ये कर सकते हैं दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।